सोनी XB400 नेक बैंड, आज इसका मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। 5,000 रुपये का ये नेक बैंड है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई खर्च करे, बिकॉज 5,000 का अगर कोई नेक बैंड खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली वो कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का तो नहीं, कोई रिच क्लास ही पर्सन इसे उतना पैसा डाल के लेना चाहेगा। सबसे मैक्सिमम लोग है तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ आज मैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, बैटरी और चार्जिंग करने में कितना, और क्या अंत में आपको 5,000 रुपये आपको क्या आपको ये सोनी के लिए आपको पे करना चाहिए, 5,000 रुपये आपको देने चाहिए, और 5,000 आप क्यों दे रहे हैं वो भी मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई इसके शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक छोटा सा वीडियो में आपको बहुत सारा आपको आइडिया लगने वाला है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 5,000 का दोस्तों ये आता है तुम्हारा नेक बैंड, और 5,000 के हिसाब से चलो साउंड क्वालिटी बारे में इसका बात करते हैं। तो भाई साउंड क्वालिटी डेफिनेटली यस मैं इम्प्रेस हूँ। साउंड क्वालिटी अगर आप मुझे पूछो, स्कल कैंडी अगर आपने एयरफोन यूज़ किया है, स्कल कैंडी बहुत मस्त एयरफोन लगा मुझे, तो स्कल कैंडी का अगर आपने एयरफोन अगर आपने यूज़ किया है तो आपको पता चलेगा, वायर वाला एयरफोन आता है स्कल कैंडी का, तो बिल्कुल उसके जैसा क्वालिटी, बेस बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है। तो वो हिसाब से इसकी जो मुझे ये लगी है काफ़ी सही है साउंड क्वालिटी। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि 5,000 रुपये के लिए क्या इसकी साउंड क्वालिटी है एक्सेप्टेबल है, तो उसका मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या रिमार्क दूँ, बिकॉज मैंने अभी तक ये पहला मैंने देखा, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे डिवाइस मुझे देखने होंगे जिसकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि यस डेफिनेटली जितने भी मैंने अभी तक डिवाइस देखे ना उसमें सबसे अच्छा साउंड क्वालिटी मुझे इसका ही लगा है। तो ये एक एडवांटेज है, आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली आप निराश नहीं होने वाले, बहुत मज़ा आएगा आपको। म्यूज़िक लवर हो तो भाई इसके लिए तो सबसे बड़ी बेस्ट है। कॉल क्वालिटी की बात करते, कॉल कनेक्टिविटी मिलेगा तो आपको मिल जाएगा काफ़ी सही है, और मतलब जब आप बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सामने से कॉल आएगा, पिकअप करोगे कॉल को तो उसको भी जल्दी हो जाएगा, और सभी चीज़ें सही है। मतलब कॉल में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कॉल में तो आएगा नहीं, बिकॉज 5,000 का लोग एयरफोन बना रहे थे, लोग माइक वगैरह लोग तो सब अच्छा ही रखेगा, तो कॉल के अंदर आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, और अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा कॉल के दौरान, कहीं पर भी ये अटकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो कॉल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है। बैटरी की तरफ बढ़ते हैं, यार बैटरी यहाँ पर मिल रहा है 15 आवर का आपको यहाँ पर बैटरी मिल रहा है, बहुत ही घटिया लगा मेरे को ये, और आपको चार्ज करने पड़ेंगे 2.5 घंटे, चार्ज 2.5 घंटे में आपको मिलेगा 15 घंटे का बैटरी बैकअप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल का इतना प्राइस पे के आपको ये देना चाहिए, तो भाई देखो 5,000 रुपये तो मैं तो इससे अच्छा मैं स्कल कैंडी का एयरफोन लूँगा। अगर मेरे को चाहिए भाई एकदम बेस्ट आवाज़ तो मैं स्कल कैंडी का एयरफोन लूँगा 800 या 900 रुपये डाल के, मैं इतना 5,000 रुपये नहीं खर्च करूँगा, बिकॉज साउंड क्वालिटी है अच्छी है, मतलब लगता है म्यूज़िक बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन बैटरी इसमें कम मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से कम तो भी इसमें 30 आवर का तो बैटरी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो मैं इसे रेकमेंड डेफिनेटली करता हूँ। मगर अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि रेकमेंड नहीं करो, क्योंकि क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ एक क्वालिटी के लिए आप इसे लेना चाहते हो तो मैं बोलूँगा स्कल कैंडी का एक एयरफोन आता है वायर वाला, आप वही खरीद लो।